तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सो आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जैसे आप लोग हो वैसे मैं भी हूँ। तो वेलकम आपका मेरे न्यू वीडियो में, मैं ब्लॉग नहीं बोलूँगी, मेरे न्यू वीडियो में। तो मैं बात करने आई हूँ एक टॉपिक पे, टॉपिक एक ही, दारू राजवीर जी। तो मैं बात करने आई हूँ कि मेरे पास कुछ टाइम से ना एक मैसेज आ रहा है, मतलब कॉमेंट्स आ रहे हैं सबके कि दीदी आप बोल रहे थे कि मैं उनकी मतलब वो उनका पता करवाऊंगी, राजवीर जी जिंदा है या राजवीर जी जिंदा नहीं है। ठीक है, तो मैं उसी बारे में आज बात करूंगी कि देखो, मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बोला था कि अगर राजवीर जी जिंदा हैं या राजवीर जी का ऐसा हो भी गया है तो मैं कोई प्रूफ लाऊं या ना लाऊं, मुझसे पहले ना इतने बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हैं, इतने बड़े बड़े मतलब कोई न्यूज़ रिपोर्टर है, कोई कोई है, मतलब सब मतलब बड़े बड़े मेरे से बड़े बड़े बैठे। और मैं अपने आप से सबको बड़ा मानती हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ पर मेरे से बड़े सब लोग बैठे हैं। तो अगर लाना होगा प्रूफ तो वो लोग भी ला सकते हैं, ठीक है। और आप लोग रोज़ डेली यूट्यूब देखते हो कि अभी तक वैसा कोई भी प्रूफ अभी तक नहीं आया है। तो सोचो जब वो लोग प्रूफ नहीं ला पा रहे हैं, लोग वही उठा उठा के पुरानी वीडियोस को, पुरानी फोटोज को लगा लगा के वीडियो बना रहे हैं, तो यार मैं कितनी बड़ी यूट्यूबर हूँ जो मैं मतलब उनके घर में घुस के या मतलब यहाँ से जाऊँगी और मैं उनका प्रूफ लेके आऊँगी। मतलब लोग तो काफ़ी टाइम से लगे पड़े हैं ये चीज़ का पता करने के लिए, तो वो लोग फोटो वीडियो नहीं ला सके तो मैं सोचो कहाँ से फोटो वीडियो लाऊंगी। और मैं अभी भी कह रही हूँ कि सब एक ही न्यूज़ को लेके बैठे हैं, ठीक है, दारू राजवीर जी सब व्यूज़ खा रहे हैं। मुझे जबकि सबने पहले बहुत बोला आप व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हो, आप फेम पा रहे हो, आप ये कर रहे हो, अरे मैंने तो वीडियो बनाना कब का छोड़ दिया, राजवीर जी के ऊपर कब का छोड़ दिया। ठीक है, आप लोगों ने देखा भी होगा मैं अपनी वीडियो, शॉर्ट वीडियो वगैरह अपनी डाल रही हूँ, चाहे उस पर व्यू आए चाहे ना आए मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है, मैंने छोड़ दिया। मैंने आपको क्या कहा था, मेरी सिर्फ ये लास्ट वीडियो, उसके लास्ट वीडियो के बाद मैंने कोई उनके ऊपर वीडियो नहीं बनाई। और अभी तक लोग उनकी वीडियो और फोटो बना बना के डाल रहे हैं, वो अभी तक व्यूज खा रहे हैं। तो आप लोग उनको ये चीज़ क्यों नहीं बोलते हो कि आप लोग रोज़ डेली वीडियो अपलोड कर रहे हो, रोज़ डेली शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, तो भाई एक ऐसा प्रूफ ही ला दो जिससे जो लोग, मैं अकेली नहीं हूँ मैं इस लड़ाई में अकेली नहीं हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मैं अकेली नहीं हूँ उनकी फ़ैन, बहुत ज़्यादा लोग फ़ैन है। मेरे कमेंट्स में भी देखना, नेगेटिव कमेंट्स भी हैं और पॉजिटिव कमेंट्स भी हैं। कई लोगों ने ये कहा है कि हाँ जी हमें भी मतलब यकीन नहीं हो रहा कि राजवीर जी के साथ ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं अकेली इकलौती नहीं हूँ जो मैं ट्रस्ट नहीं कर पा रही, बहुत लोग हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। तो जो आप लोग हेटर्स हैं, आप लोग उनको जाके क्यों नहीं बोलते कि आप लोग डेली वीडियो अपलोड कर रहे हो, शॉर्ट अपलोड कर रहे हो, तो एक वीडियो फोटो ऐसी ही डाल दो जो उनकी रियल उस टाइम की हो। आप लोग उनको ये भी तो बोल सकते हो, आप मुंह उठा के मेरी वीडियोज पे तो आ जाते हो कि आपने प्रूफ नहीं दिया, आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप पागल हो। तो पागल मैं नहीं हूँ, पागल आप लोग हो जो आप लोग अभी तक वीडियो देख रहे हो जबकि मैंने उनके नाम पर वीडियो बनानी छोड़ दी। आप लोग तो औरों की वीडियो देख रहे हो दो दो चार चार दिन, आज डे वन की भी वीडियो मैंने देखी है जो उनके ऊपर वीडियो बनाई है कि राजवीर जी जिंदा है। ठीक है, नाम नहीं लूंगी क्या आईडी थी, और उसमें बोला था कि राजवीर जी आज भी जिंदा हैं। ठीक है, बट उनको कोई तकलीफ है, उनको कोई परेशानी है, उनकी कोई मतलब परेशानी है जो कि वो सामने नहीं आ रहे हैं और वो जिंदा हैं। तो जब बताओ वो ऐसी वीडियो डाल रहे हैं तो क्या उनको व्यूज़ नहीं मिल रहे होंगे या उनको फेम नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा ना। तो सोचो मैंने तो ऐसा कुछ वीडियो डाली नहीं है। तो बस मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि यूट्यूब पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों ही लोग हैं। ठीक है, और हर इंसान हर न्यूज़ को पकड़ के चलता है। ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे आ गए तो कोई उसके पास मतलब वो किसी चीज़ की वीडियो नहीं उठा सकता या किसी भी टॉपिक पे बात नहीं कर सकता। कर सकता है, वो हर वीडियो पे बात कर सकता है।
बट मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप लोग वीडियो बनाओ। मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ उनके नाम पर, बस ये मेरी अभी की वीडियो, अभी जो मैं वीडियो डाल रही हूँ ये मैं इसलिए बना के डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आपने कोई प्रूफ नहीं दिया, आपने कोई मतलब उनकी फोटोज नहीं दी, उस टाइम की फोटोज नहीं। तो भाई मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, जो मेरे से बड़े बड़े यूट्यूबर हैं जो आज तक उनके नाम पर वीडियो बना रहे हैं, राजवीर जी जिंदा है, उनकी कोई परेशानी, तो आप लोग ये चीज उनसे पूछो ना कि जब आप लोग वीडियो रोज डाल रहे हो, रोज डेली अपलोड कर रहे हो, तो आप लोग उनका ठोस मतलब जो भी उस टाइम का प्रूफ है वो क्यों नहीं ला के डाल रहे हो? पुरानी पुरानी वीडियोज को मतलब पुरानी पुरानी फोटोज को उठा के वीडियो में लगा के क्यों डाल रहे हो? ये लोग आप उनसे पूछो, मुझसे मत पूछो, ठीक है? उस टाइम जब ये न्यूज उठी थी, दुख हुआ था, सबको हुआ था, सब उस टाइम पे सदमे में थे कि जिस इंसान की तीन दिन पहले के हमने व्लॉग देखे और वो एकदम से ऐसा सुनने को मिलेगा तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। सबको दुख होता है, सब रोते हैं यार। मुझे भी दुख हुआ कि जिस इंसान को मतलब हम इतना अच्छे से जानते थे, इतने अच्छे से उनके व्लॉग्स देखते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मतलब एक्सेप्ट मैं अभी भी नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है, कोई प्रूफ नहीं दिखा, कोई ऐसा कुछ नहीं दिखा। हाँ चलो ठीक है, आप लोग कह रहे हो कि यहाँ भी हुआ है, हम उनके घर गए, आप लोग उनके घर गए हो या कहीं भी गए हो, ठीक है, मैंने मान लिया। बट मैं ये कह रही हूँ कि जब वो लोग वीडियो बना रहे हैं, घर जा रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं, तो उनकी एक भी चीज मतलब ऐसी अभी तक, आप लोग खुद सोचो, अभी तक ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि उनके साथ ऐसा हुआ है। ना तो सपना जी ने किया है, ना उनके भाई ने कुछ ऐसा किया है। सब जहां से भी सुन रहे गोलमोल बात सुन रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अभी तक किसी ने पक्का प्रूफ ऐसा नहीं किया है कि ऐसा कुछ हुआ है, द रूट राजवीर जी के साथ ऐसा कुछ हुआ है, अभी तक किसी ने नहीं कहा। सिर्फ और सिर्फ गोलमोल बातें चल रही हैं, लोग वीडियोज बना रहे हैं, लोग शॉर्ट्स बना रहे हैं फोटो लगा लगा के। बनाओ यार, सब पैसा कमाना चाहते हैं, सबको मन है आगे बढ़ने का, बट आप किसी को गलत बोलकर पीछे मत घसीटो। अगर आप आगे नहीं चल सकते हो तो पीछा भी किसी का मत करो, ठीक है ना? आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। तो प्लीज़ मेरे को ये कमेंट करना बंद करें कि मैं प्रूफ नहीं लेके आई। मेरे प्रूफ लाने से पहले आप लोग किसी और से भी प्रूफ मांग लो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बस मेरा वीडियो यहीं तक का था, और यही था कि मैं प्रूफ देने वाली कौन होती हूँ। प्रूफ देने वाले वो हैं जो लोग इतने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जो लोग अपने रोज डेली वीडियो अपलोड कर रहे, तो उन लोगों से प्रूफ मांगो। मैं कोई रोज डेली वीडियो अपलोड नहीं कर रही उनके नाम पे, ना कोई मैं शॉर्ट्स बना रही, तो प्लीज आप लोग उनसे प्रूफ मांगो। और मेरा ब्लॉग बस वीडियो यहीं तक का था, और आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को गलत कमेंट्स नहीं करेंगे। अगर आप नहीं समझे हो तो आप गलत कमेंट्स करते रहो, आपका मुंह है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा समझो, बाकी आप सब समझदार हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।